लेकिन आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कार मोटरसाइकिल टीवी फ्रिज बिस्कुट कपड़े सब कारखानों का काम घट रहा है, छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है, एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर भी हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तेहार में आपको लिखा क्या दिखता है, मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना, भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या, भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री, भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री, भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है।